यार। स्टेप वन सर, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट क्रिएट्स एनफोर्सेबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अंडरलाइन द नेक्स्ट वर्ड्स। कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटन और ओरल और एज पर बिजनेस प्रैक्टिस। ठीक है, तो ओरल रिटन ये दोनों हो सकते हैं। स्टेप टू, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड प्रॉमिसेस टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रॉमिस टू ट्रांसफर अ गुड और सर्विस। मतलब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपने वर्ड्स में क्या होती है? आपके अपने वर्ड्स में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीन्स वो जिम्मेदारी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पूरी करनी है। देन आज एक डेफिनेशन अब आ रही है फाइनली ट्रांजेक्शन प्राइस की। ट्रांजेक्शन प्राइस इज द अमाउंट। ऊपर इस पेज पर 1200 लिखा हुआ ना, फर्स्ट एग्जांपल, उस 1200 को जहन रखे पड़ेगा। ट्रांजेक्शन प्राइस इज अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब मुआवजा। अमाउंट ऑफ मुआवजा इन द कॉन्ट्रैक्ट टू विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड इन एक्सचेंज फॉर ट्रांसफरिंग गुड्स और सर्विसेज। जिस मुआवजे के आपने एंटाइटल होना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स और सर्विसेज दे के, वो मुआवजा कहलाता है। ट्रांजेक्शन प्राइस, जो एक्चुअल प्राइस मिलनी है वो ट्रांजेक्शन प्राइस है। जो हमें मिलती अगर हम चीजों को इकट्ठा देने की बजाय अलग अलग दे रहे हैं, तो अगर हम चीजों को अलग इकट्ठा देने की बजाय अलग अलग देते तो जो पैसे मिलने थे वो कहलाते हैं स्टैंड अलोन प्राइस। तो प्लीज, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन प्राइस? अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट टू विच द एंटिटी सेलर बिकम्स एंटाइटल। हम जिसके हकदार होंगे चीजों को ट्रांसफर करके, वो पैसे जिसके हमने हकदार होंगे, जिस मुआवजे के हमने हकदार होना है गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर करके, वो पैसे ट्रांजेक्शन प्राइस है। तो ऊपर वाली एग्जाम्पल में 1200 के हकदार हमने होना है या 1260 के हमने हकदार होना है? 1200 के हमने हकदार होना है, और क्योंकि वो 1200 इज लेस देन द सम ऑफ द स्टैंड अलोन प्राइसेस, तो देयरफॉर हमने 1200 को फिर एलोकेट किया बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइसेस। और अगर हम एक गैलेक्सी थोड़ा सा ध्यान में लाएं, तो वहां हमने हकदार होना था, पेज नंबर देख लें, 34,000। देखें देखें, एक स्मार्टफोन के अगेंस्ट हमने 34,650 के एंटाइटल होना था, लेकिन क्योंकि वो जो सम बनता था दैट इज 39,600 आई थिंक, तो हमने फिर उस सम की बेस पे ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट किया है। आई होप कि मेरे वर्ड्स को समझ आ गए। देन कुछ बातें कंसोलिडेशन में हुई थी, और कंसोलिडेशन से फिर मेरा ख्याल आगे आके I-37 में डिसमेंटलिंग में भी हुई है। वही चीजें दोबारा जरा आ रही हैं इस रेवेन्यू में भी। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, डेफर्ड कंसिडरेशन से ही मिला था। डेफर्ड कंसिडरेशन, डेफर्ड कंसिडरेशन क्या मतलब होता है? डेफर्ड कंसिडरेशन पैसे देना पोस्टपोन हुए हैं, और अगर एक साल या उससे ज्यादा अरसे के लिए पोस्टपोन हो गए हैं, तो इनिशियली प्रेजेंट वैल्यू पे आप एंट्री करते थे इन्वेस्टमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट, और ई रेंट्स पे फिर आके उसे अनवाइंड करते थे। यही सिचुएशन आई थी फिर जब हम IS-37 में गए थे। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट किस अमाउंट पे करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, और देन फिर अनवाइंडिंग की एक स्टोरी बीच में आती है। लेकिन ये बातें थी जो हमने पेमेंट के एंगल से की थी। अब इस वक्त अगर हम सेलर हैं, तो सेलर भी अपना जो रिसीवेबल है वो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, और देन फिर प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करने के बाद डिफरेंस बिटवीन द इमीडिएट सेल प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस, उसे फिर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं इनकम बनाएगा। जिन हजरात के पास अगर वॉल्यूम वन हो, अगर ढूंढ सके वॉल्यूम वन, कितनी बुक्स हो जाती हैं आपके बैग में? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने इसलिए पूछा, मैंने डरते डरते पूछा। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि क्यों बुक्स आपके पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप ढूंढना चाह रहे थे, और जो हजरात बुक नहीं रख रहे वो सोच रहे हैं काश हमारे पास भी बुक होती,
लगता है ये आपकी जो काश है ये अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। बोर्ड पर जरा देखें, आप अपने हाथ से लिखा हुआ कहीं नजर आने लगा इंशाल्लाह, या अल्लाह मदद फरमाना जी। सर एक सेलर बायर की एक एग्जांपल बनाई थी, हजरात के पास अपना लिखा हुआ नजर आ जाए वो सबसे बेस्ट है। पेज नंबर कौन सा होता है ये? 273। एक सेलर बायर के एंगल से ये बहस हुई थी। अगर फॉर एग्जांपल लाख मिलना है 2 साल बाद, तो सेलर पहले प्रेजेंट वैल्यू लेगा और फिर रिसीवेबल बनाएगा। आज रिसीवेबल बनाएगा प्रेजेंट वैल्यू के बेस पे, बिल्कुल कन्वर्स है, इनवर्स है जो बायर करेगा। बायर ने अपनी लाइबिलिटी बनानी है आज और सेलर ने अपना रिसीवेबल बनाना है आज। पैसे अगर फॉर एग्जाम्पल 2 साल बाद मिलने हैं और टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेलिवेंट है, इंटरेस्ट रेट्स आपको दिए हुए हैं, तो इनिशियली आप प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर रिसीवेबल, और बायर जो है प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर अपना पेएबल रिकॉर्ड करेगा साइमल्टेनियसली। जरा देखें, देन अगर साल गुजर गए तो अनवाइंडिंग करेगा कौन? सेलर बायर दोनों है, लेकिन बायर की का एक्सपेंस बनेगा, लाइबिलिटी बढ़नी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और रिसीवेबल भरना है सेलर का, सेलर का रिसीवेबल भरना है। क्या एंट्री करेगा? रिसीवेबल डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम बनेगी। टाइम वैल्यू मनी की वजह से किसकी इनकम है और किसका एक्सपेंस है? सेलर की इनकम है, सेलर ने एक्स्ट्रा लेने हैं और बायर ने एक्स्ट्रा देने हैं, और फिर जब अगर 2 साल का एग्रीमेंट हो फिर इनकम बनाएगा, लेकिन जब सेकेंड ईयर की इनकम बनाएगा तो फिर शायद कंपाउंड करेगा, कंपाउंडिंग हो जाएगी बेस्ड ऑन रिवाइज प्रेजेंट वैल्यू, जितना रिसीवेबल आ गया है उसको साथ मिला के। तो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे शायद नहीं है, इकट्ठे ही देने हैं, और अगर इकट्ठे देने हैं तो जितना अर्सा बीच में उसमें इंटरेस्ट इनकम बनाएगा सेलर और एक्सपेंस बनाएगा बायर। कुछ वर्ड समझ आ जाएगा प्लीज? जो मैंने आपको चीजें याद करवाई है कंसोलिडेशन में और IS-37 में, वो दोनों पेएबल्स के एंगल से है। अगर पेरेंट ने कंसिडरेशन डेफर की हुई है, उसने 2 साल बाद देने हैं पैसे, तो उसकी भी लाइबिलिटी है। और अगर हम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में IS-37 में आ जाए तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी लाइबिलिटी है। लेकिन अब इस वक्त हमने किस तरफ जाना है? अगर एज अ सेलर आपने चीजें बेचते हुए टाइम पीरियड ज्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पैसे अपनी कंसिडरेशन के तौर पर लेने हैं, तो देन फिर वो इंटरेस्ट इनकम बन जाएगी। ठीक है, तो किसकी तरफ से, बस किस तरफ आ रहे हैं? पेएबल्स की तरफ से रिसीवेबल, रिसीवेबल में आएंगे अगर हम रेवेन्यू के एंगल से बहस करें। आ जाए पेज नंबर 2 पे, शायद आ जाता है सर दोबारा पढ़कर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है जी, लास्ट पैराग्राफ पे, ट्रांजैक्शन प्राइस इज आल्सो एडजस्टेड फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। वर्ड शायद बार बार आ जाए, इसको अंडरलाइन करना है। इसका सिंपली मतलब इंटरेस्ट है, और अगर रेवेन्यू के एंगल से देखें तो इंटरेस्ट इनकम, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, मटीरियल फाइनेंसिंग कंपोनेंट, इंटरेस्ट इनकम। इन एडिशन ये चले, इन एडिशन से पहले फर्स्ट लाइन में क्या हुआ थी, समटाइम ट्रांजेक्शन प्राइस को टाइम वैल्यू ऑफ मनी से एडजस्ट करना पड़ता है, और इन एडिशन ट्रांजेक्शन प्राइस आल्सो इंक्लूड्स कंसीडरेशन पेएबल टू कस्टमर। ये क्या बहस है ये? इंशाल्लाह फिर किस भी सही, अभी हम जरा टाइम वैल्यू मनी को फाइनल कर लेंगे। कुछ नई नई चीजें निकलनी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ लॉजिकल है, आपसे कंसंट्रेशन बस रिक्वायर्ड होगी। आए पहले ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जरा मसला और रिजोल्व कर लें। रेवेन्यू इज द मार्केट प्राइस, पहले जरा बिल्कुल बेसिक डिस्कशन है, रेवेन्यू इज द मार्केट प्राइस लेस एनी ट्रेड डिस्काउंट अलाउ, ऐसे ही सेल लेस डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट ऑफर किया ट्रेड डिस्काउंट तो आप रेवेन्यू में से लेस करके रिकॉर्ड करेंगे। इफ अ सेल इज अ कैश सेल, इफ सेल इज अ कैश सेल, चलिए एक मिनट,
इफ सेल इज अ कैश सेल, कैश सेल की एंट्री सुना है जी, कैश डेबिट सेल रेवेन्यू क्रेडिट, सेल रेवेन्यू कितने से क्रेडिट, जितना कैश मिलेगा, तो कैश में बेचा तो जितना कैश मिलेगा उतने से सेल क्रेडिट, तो पढ़े जरा, रेवेन्यू इज द इमीडिएट प्रोसीड्स ऑफ सेल, जो पैसे मिलेंगे वही रेवेन्यू है। इफ इट इज अ नॉर्मल क्रेडिट सेल, नॉर्मल क्रेडिट सेल का मतलब होता है 15 दिन बाद मिल जाएंगे पैसे, 20 दिन बाद मिल जाएंगे, 30 दिन बाद मिल जाएंगे, नॉर्मल ये है। अगर इफ इट इज अ नॉर्मल क्रेडिट सेल देन रेवेन्यू इज द एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिसीट, जो 15 दिन बाद पैसे मिलेंगे, जो 30 दिन बाद पैसे मिलेंगे, सिंपली आप उसी पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। 15-20 दिन का अगर टाइम पीरियड है तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट मीन्स इंटरेस्ट इनकम सिग्निफिकेंट नहीं हो, हो सकती, मैं ये नहीं कहता, समटाइम्स होता है आज भी पैसे देंगे तो इतने होंगे, 15 दिन बाद देंगे तो इतने होंगे, लेकिन इतनी मटीरियल अमाउंट नहीं होगी कि अकाउंटेंट ऐसे टाइम वेस्ट करे। तो अगर क्रेडिट सेल है तो रेवेन्यू इज द इमीडिएट सेल प्रोसीड नहीं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिसीट, और इस केस में ना कभी हमने टाइम वैल्यू मनी की बात की है और ना ही करेंगे अगर नॉर्मल क्रेडिट सेल है। व्हाट इज द मीनिंग नॉर्मल क्रेडिट सेल, जो नॉर्मल क्रेडिट सेल है विच मींस मैक्सिमम 15-20-25-30 दिन, हाँ अनलेस अगर एग्जामिनर ही आपको बता दे कि आज अगर बेचेंगे तो लाख है और महीने बाद अगर पैसे ले रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल 1,10,000 है, फिर हम अकॉर्डिंगली जरूर एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि इतना बड़ा डिफरेंस हो। तो नॉर्मल क्रेडिट सेल की एंट्री बताएं, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट किस अमाउंट से, जो अल्टीमेटली मिलनी है, जो अल्टीमेटली मिलनी है विदाउट एनी प्रेजेंट वैल्यू, नॉर्मल अनलेस एक्सेप्शन में इज देयर, हमारी बहस किया जी। हाउएवर इन सम केसेस व्हेन द पेमेंट इज डेफर्ड पोस्टपोन्ड कम अज कम शायद 1 साल या उससे ज्यादा अरसे के लिए, देन फिर टाइम वैल्यू मनी सिग्निफिकेंट हो जाती है। इन सम केसेस व्हेन द पेमेंट इज डेफर्ड द कैश सेल प्राइस माइट बी कंसंट्रेट लेस देन या मोर देन द अमाउंट ऑफ कैश दैट विल इवेंचुअली बी रिसीव, कंसंट्रेशन सोचो, कैश सेल प्राइस माइट बी, कैश सेल प्राइस का मतलब जिस पे आज बेचते वो ज्यादा होती या कम होगी, क्या इस केस में ज्यादा होगा क्या कम होगा, जो कैश इवेंचुअली मिलना है एंड में मिलना, जो इवेंचुअली मिलना है वो ज्यादा होगा या जो अभी मिलना है, कैश सेल प्राइस कम होगी या कैश सेल प्राइस ज्यादा होगी, जो आज पैसे लेने फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख है तो जो इवेंचुअली मिलने हैं वो तो 90,000 होने चाहिए ना यार, भाई यार 90 होने चाहिए, वो नहीं बेचारा दे पा रहा, क्या हो गया है वो नहीं दे पा रहा, क्यों लोगों के जज्बात से और क्यों उनके साथ धोखा करते हैं यार, वो नहीं दे पा रहा यार, वो ना ले, नहीं लेगा नहीं बेचारा मजबूर है वो ना ले, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, ये मेरे साथ रह रहे कि कैसे होते जा रहे हैं आप। आज अगर 1 लाख का बेच रहे हैं और कोई अगर आज पैसे देने की बजाय 2 साल बाद या साल बाद देना चाह रहा है तो क्या वो इवेंचुअली जो कैश देगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, तो कैश सेल प्राइसेस लेस देन द अमाउंट जो इवेंचुअली रिसीव होनी है, इवेंचुअल रिसीव समझ आता है, जो अल्टीमेटली रिसीव होनी, और ये डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो वही होगा सेलर के लिए क्या होगा और बायर के लिए क्या होगा, लेकिन अब हमने सेलर के एंगल से बात करनी, ये वर्ड समझ आ गया, लेस देन, आज की सेल प्राइस विल बी लेस देन द अमाउंट दैट विल एक्चुअली बी रिसीव, इवेंचुअली बी रिसीव, और जो डिफरेंस है फिर वो टाइम वैल्यू मनी के तौर पे सेलर जो है एज एन इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करेगा, उसी को एक्सप्लेन करा, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना, फिर एक एग्जांपल कर लेते हैं, हम जो टाइम बच गया। डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल वैल्यू एंड द कैश प्राइस, इन दो में जो टोटल सेल वैल्यू अब होगी जो मिलनी है और कैश प्राइस जो आज देते आज होनी थी ऑफ कंसीडरेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट इनकम, हाउएवर दिस एडजस्टमेंट इज ओनली रिक्वायर्ड इफ द पीरियड बिटवीन ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस एंड रिसीट ऑफ कैश इज इक्वल टू मोर देन 1 ईयर और एनी अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नॉर्मल यही है कि साल या 1 साल से ज्यादा का अरसा इन्वॉल्व हो या अनलेस एग्जामिनर को हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे पता चले कि लेस देन 1 ईयर में भी कोई टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट बीच में आ गया है। नॉर्मली हम ये वर्किंग कब करेंगे, साल या उससे ज्यादा का अरसा बीच में आ जाए। एक एग्जांपल शुरू करें, डेफर्ड कंसिडरेशन,
बस शायद कॉन्टेक्स्ट सारा वही है जो हमें पहले पता है, लेकिन हम बायर की बजाय इस वक्त सेलर बन के सोचेंगे। एन एंटिटी सेल्स अ मशीन ऑन 1st जनवरी 15। द टर्म्स ऑफ द सेल आर दैट एंटरप्राइज मीन्स यहाँ कंपनी है, एंटरप्राइज एंटिटी विल रिसीव 5 मिलियन ऑन 31st नंबर 16, 2 साल बाद। इस 5 मिलियन को गौर से देखें, ये कब रिसीव होना है? 2 साल बाद। ये इवेंचुअली रिसीव होना है, ये आज की सेल प्राइस है। डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 6%। रजिस्टर खोलें। सीरियस लीजिएगा प्लीज। जी कोई मेरा बिजनेस नेम एंटरप्राइज ही बस लिखा हुआ। फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। एंटिटी की बुक्स में एंट्रीज करनी है, एंटिटीज बुक्स। जी बिल्कुल ठीक है। 1st जनवरी 15 सेल कब रिकॉर्ड होगी और कैश कब आना, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल डेट बता दें। सेल आज रिकॉर्ड होगी, सेल कब रिकॉर्ड होती है? फर्स्ट पेज देखें ना, थोड़ा सा फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज जरा ट्राई करिए। रेवेन्यू कब क्रेडिट होता है? जब गुड्स ट्रांसफर हो जाती हैं। गुड्स कब ट्रांसफर होती हैं? जब गुड्स कस्टमर के कंट्रोल में चली जाती हैं। कस्टमर के कंट्रोल में कब चली जाती हैं? जब वो उन्हें यूज करने का बेनिफिट ले सकता है। तो जरा इन वर्ड्स को ध्यान में रख के जरा बताएं, व्हाट इज द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू? हम तो मशीन शुरू में दे देंगे, मशीन हमसे उसके हाथ में चली जाएगी और वो इस्तेमाल करना तो शुरू हो जाएगा। पैसे इकट्ठे ही कब देगा? जी क्या एंट्री करें? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, डेटर ट्रेड रिसीवेबल, क्या क्रेडिट? रेवेन्यू, सेल्स, सेल्स रेवेन्यू। डन, सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। अच्छा ये भी ना हो कि रेवेन्यू के बाद सेल ही वर्ड भूल जाए। किस अमाउंट से, कैसे? 5 मिलियन प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? कैसे प्रेजेंट वैल्यू लूं, एन्यूटी या डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग। एन्यूटी कब? एक से ज्यादा अमाउंट्स हो जाए सेम हो जाए, ये एक ही दफा अमाउंट है 2 साल बाद। रेट क्या है? 0.06 माइनस 2। मत डरे मत डरे मत डरे। 4 4। अच्छा मिलियंस में क्यों नहीं? मिलियंस में, मिलियंस ठीक है, रुपीज इन मिलियंस। 4 पॉइंट डब जान दे मुलाना के मिलियंस में, क्या तो फायदा उसका क्या यार? 4.45 नहीं, मिलियंस में क्या तो डब क्यों नहीं, फिर पूरा ही लिख लें। अगर पॉइंट के बाद सारे ही लिखने हैं तो पॉइंट को कॉमे में कन्वर्ट कर देते हैं, हल्का सा को नीचे के तो कॉमा लेना। प्लीज मत डरे मत डरे, आप लोग तो ना डरे यार, F1 वाले बेचारे तो इस खौफ से बाहर ही नहीं आ सकते, वो ईमानदार होते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता रह के मेरे साथ, अल्लाह ना करे, आज ज्यादा ईमानदार हो गए हैं, मैं भी आपके साथ रह के कुछ फर्क पड़ा मुझे भी। जी 4.45 जी, डबल एंट्री। नेक्स्ट डेट बताएं। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल याद रखें जी, बिल्कुल लिख लें जरा, जिस दिन सेल, कॉस्ट ऑफ सेल साथ में रखें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। हाँ जी इन्वेंट्री, मशीन को इन्वेंट्री कहना चाहिए और कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है। डेफिनेटली इसे स्किप किया जा सकता है अगर इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन एक आध दफा लिख लें, याद रहनी चाहिए, आगे जरूरत भी पड़नी है। किस दिन ये एंट्री जहन में आनी चाहिए? जिस दिन सेल हुई है, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट डेट 31st नंबर 15। जी साल बाद क्यों रुके हैं आप? वर्किंग करवा दें। ट्रेड चले एंट्री लिख लीजिए, मैं ट्रेड रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट।
अमाउंट बताएं कैसे फाइंड आउट करें, वर्ड्स बोलें वर्ड्स बोलें वर्ड्स बोलें। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू इनटू रेट, पूरा साल ही गुजरा, पॉइंट 267 चले, गेम शुरू। ये चल रहे जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेट सर 31 December 16, एंट्री सर ट्रेड रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम कर। किस साल की? दूसरे साल की, 16 की, वर्किंग करवा के बात खत्म कर दो। 4.45 × 6% प्लस 0.267, 7-7 पैसे रिसीव नहीं हो रहे, 7-7 पैसे रिसीव नहीं हो रहे, कंपाउंड हो रहे, एनुअली कंपाउंड हो रहे। ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.283। जी नेक्स्ट डेट से सेम डेट, खुद से एंट्री फाइनल कर, बिल्कुल ठीक हो गया, विद फिगर्स फाइनल कर। चेक करें रिसीवेबल उतना हुआ भी है जितना होना चाहिए था, तकरीबन उतना ही हुआ। कैश डेबिट 5 मिलियन, चेक कर लो, मेरा 4.45 प्लस 0.267 एंड प्लस 0.283, तकरीबन हो गया शायद 5.5 पॉइंट, शुक्र जीरो से एंजॉयमेंट यार, शुक्र यार। कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी इस दिन होनी चाहिए, जब पैसे मिलते हैं तब कॉस्ट ऑफ सेल, जब सेल रिकॉर्ड होगी क्रेडिट होगी उस दिन, उस दिन कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड होगी, डेबिट होगी। डन सर, तो आई होप के पुरानी बहस थी यार, है 2-4 मिनट है, छोटी सी एग्जांपल और कर लो, पेज नंबर 4। कल जिस टाइम तक आपने इकट्ठे होना, इकट्ठे होते भी तुम्हारा सेटिंग टाइम है, सेटिंग टाइम भी ज्यादा है, फिर जल्दी का भी टाइम है, पढ़ लेते एग्जाम्पल पढ़ लो। एनी कन्फ्यूजन जी, पेज नंबर कौन सा आ गया? अच्छा, जो हजरात क्लास में आके उन्होंने जैकेट्स वगैरह उतारी हैं, वापसी पर यकीनन मौसम अब चेंज हो गया तो अब अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्लाह ना करे, तो अब वही वक्त दोबारा आ गया है कि जैकेटें चढ़ा ली जाए, लेकिन एग्जांपल करके। वैसे आपने तो जैकेट्स उतारी नहीं, मेरे ख्याल मुझे खुद महसूस हुआ। 30 June 2021, हाशिम लिमिटेड सेल गुड्स फॉर कस्टमर ऑन एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स, अंडरलाइन कर लें और मतलब बता दो, एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स। हाँ जी, नॉर्मल सेट के लंबा अरसा जरा देते, कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे 1000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑन 30 June 2022। ढूंढने डेट्स, कितने साल बाद? तकरीबन 1 साल है जी। कैश सेल प्राइस का मतलब बताएं, आज वाली, अब ये एग्जामिनर की मर्जी, वो आज वाली दे ले या फ्यूचर वाली दे के वर्किंग करा ले, लेकिन उसने वैसे दोनों ही बता दिए। 1000 क्या था? One year, after 1 year, calculator पकड़ने, discount rate 10% है। Discount rate 10% है। इसे एक काम जरा करें, बड़े हो गए मशाला, जरा चेक करें, एक मिनट ठहरे जरा, ये 909 के है, आज की वैल्यू है, 1000 के है, ये कैलकुलेटर पकड़े कि आपको पता है ये रेट आ सकता है, या चलें इसकी भी उसने करते हैं। 1000 क्या है? फ्यूचर वैल्यू, 1 + i, अगर सपोज रेट ना बताओ, -1, आंसर 909 है। इधर मुझे सिर्फ कंफर्म ये करना है कि आपको कैलकुलेटर पता रेट कैसे आ जाता है, देख करें इधर एक मिनट,
नहीं, कैलकुलेटर पे एक इक्वेशन मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ, बनानी आती कि नहीं, इसकी जरूरत पड़नी है। आइडिया है इसका? नहीं, मतलब आंसर तो आ जाएगा, मतलब सबको आइडिया है, आई बैलेंसिंग फिगर एक निकल आएगा, 0.1 आ रहा है शायद, तो 0.1 मीन्स 10%। ये लिखे वर्किंग, बस एंट्री स्केल कर लेंगे, ये थोड़ी सी वर्किंग लिख के उठो, इक्वेशन बनाए। ये मैंने किया वैसे, क्या 1000 क्या है फ्यूचर वैल्यू 1+, अगर फॉर एग्जाम्पल रेट ना हो तो -1 हमें पता है 1 साल बाद है, और प्रेजेंट वैल्यू अगर पता हो तो रेट भी निकाला जा सकता है। आज किसको प्लीज टाइम देना है आपने? अब ये अंडरस्टूड बातें हैं कि जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं वो आप करते जा रहे हैं, और अगर करते जाएंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें टिप्स में आनी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता।